अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, माताएं बहनें दीदी बताएं बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, देश का हर व्यक्ति चाहे कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने, मगर ये कांग्रेस पार्टी कैसी नहीं चलनी। अभी अभी देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला कर ये निर्णय कर दिया है सर्वानुमत से कि राम जन्मभूमि की जो जगह है वही जगह पर आसमान को छूने वाला भव्य मंदिर। इतने सालों से ये फैसला नहीं हो, हम भी चाहते थे कि फैसला अदालत करे, संवैधानिक रूप से इस झगड़े का, इस विवाद का रास्ता निकले, और देखिए राम की कृपा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता खुल गया है। मैं आज कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक पिछड़ा समाज के लोगों को अन्याय करने का काम किया है, अन्याय करने का काम 70 साल से पिछड़ा समाज के लोग अपने संवैधानिक सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, मगर कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक सम्मान उनको नहीं दिया। देश की जनता ने 2014 में फैसला किया, पिछड़ा समाज के ही गरीब घर के व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, और नरेंद्र मोदी ने 2 ही साल में ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, और हजारों शहीद जो झारखंड के लड़ाई के लिए शहीद हुए थे वो झारखंड की मांग इसलिए नहीं करते थे कि जिन्होंने झारखंड किया के साथ अन्याय किया वही कांग्रेस पार्टी आकर नाम बदल बदल कर भेष बदल बदल कर झारखंड का शोषण करे या भ्रष्टाचार करे, झारखंड को फिर से एक पिछड़ा राज्य बनाए। उन्होंने बलिदान इसलिए दिया था कि झारखंड पूरे देश के अंदर एक विकसित राज्य बनकर सबसे समृद्ध राज्य बने। और मित्रों, कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका मिला, मगर किसी ने भी स्थिरता देने का काम नहीं किया, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। इसके कारण स्थिति है वही कि देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से किसी का नाम निकालना है ना, जिसके पास समृद्धि पड़ी है तो उसमें झारखंड का नाम आता है।